नंबर वन इज बायोमोलिकुल्स एंड दियर बिहेवियर चैप्टर टू इज सेल चैप्टर थ्री इज टीशु चैप्टर फोर इज मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड दियर फंक्शंस ओके स्टूडेंट्स मैं आज इस वीडियो में क्लास नाइन लाइफ साइंस चैप्टर टू के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताने वाला हूँ चैप्टर टू का नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ओके तो कुछ इम्पोर्टेंट एम को बताने से पहले हमको ये समझना है कि जो चैप्टर टू है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ लाइफ इसका फॉर्मेट क्या है तो ये चैप्टर टू जो है चार छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और वो क्या है देखिए नंबर वन इज़ बायोमोलिकल्स एंड दियर बिहेवियर चैप्टर टू इज़ सेल चैप्टर थ्री इज़ तीसू चैप्टर फोर इज मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड दियर फंक्शंस ओके तो ये जो चैप्टर टू है चार छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया जो अभी मैंने बताया तो सबसे पहले चैप्टर वन का देखते हैं कि इस चैप्टर वन से कौन कौन इम्पोर्टेंट एम्सक्यूज है बायोमोलिकल्स एंड दियर बिहेवियर तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज एसेंशियल इनमें से कौ? कौन है जिसमें नाइट्रोजन होना बहुत ही जरूरी है एसेंशियल है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री प्रोटीन क्वेश्चन नंबर टू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल इनमें से कौन विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है मतलब जो वाटर में मिक्स हो जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि विटामिन जो है दो टाइप्स के होते हैं एक है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल तो वाटर सोल्यूबल जो है दो विटामिन हैं बी और सी तो यहाँ पर सी दिया गया है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर विटामिन सी क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ अ डाई इज तो इनमें से एक डाई है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री सकरोज क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डी एन ए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से तो इनमें से कौन सी वो नाइट्रोजन बेस है जो डी एन ए में प्रेजेंट नहीं होता है जो डी एन ए में मौजूद नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यूरोसे क्वेश्चन नंबर फाइव इज द डेफिशेंसी ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज़ेस रिकेट इनमें से वो कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशेंसी से क्या होता है रिकेट नामी डिजीज होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर विटामिन डी क्वेश्चन नंबर सिक्स द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ विटामिन सी इज तो इनमें से कौन सी वो डिजीज़ है जो विटामिन सी की डेफिशेंसी मतलब कमी से जो है बीमारी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू शक्रोई क्वेश्चन नंबर सेवन इज मिनरल नेसेसरी फॉर बोन्स एंड टूथ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ई भी है सब लोगों को पता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर कैल्शियम मतलब बोन्स और टूथ के लिए जो है कौन से मिनरियल बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन नंबर एट इज डेफिशंसी ऑफ विच कॉजिस गटर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू आयोडीन की कमी से क्या होता है गटर होता है क्वेश्चन नंबर नाइन इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज तो न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट है वो क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री न्यूक्लोटाइड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन द पोलिसक्राइड इन एनिमल बॉय इज तो पॉलीसेकेराइड जो एनिमल बॉय में होता है मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर वन ग्लाइकोजीन तो नेक्स्ट चैप्टर इज सेल क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर प्लांट इनमें से कौन प्लांट है जो यूनिसेलुलर है मतलब जिसमें एक ही सेल होता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री ईस्ट क्योंकि एमिबा युगलेना और पैरामिसम जो है ये तीनों ही एनिमल है क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगुलर एनिमल अब इनमें बताना है कि इनमें से कौन किलूलर एनिमल है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर एमिबा क्वेश्चन नंबर थ्री इज द सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज तो इनमें से वो कौन से सेल ऑर्गेनल है तो सेल ऑर्गेन तो सेल ऑर्गेनल को समझते हैं कि एक सेल में जितने भी एक सेल के जो साइटोप्लाज्म है तो उस उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सबको एक साथ बोलते हैं सेल ऑर्गेनल ओके तो अब ये कौन से सेल ऑर्गेनल है या फिर कौन से वो सेल के पार्ट है जो ये दोनों टाइप के सेल में पाए जाते हैं तो आंसर इज ऑप्शन है ओफो जो दोनों टाइप के सेल में पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इज द सेल ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेलिस तो इनमें से कौन से वो सेल ऑर्गेनल है या फिर सेल के पार्ट है जो सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन सेंट्रोजोम क्वेश्चन नंबर फाइव इज द सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेलेस तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनमें से वो कौन सेल ऑर्गेनल है सेल के पार्ट है जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं सिर्फ तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू प्लास्टिड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इस, इस कॉल पावर हाउस ऑफ सेल किसको जो है पावर हाउस कहते हैं सेल के पावर हाउस कहते हैं तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर मार्टे कंडरिया क्वेश्चन नंबर सेवन इज सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री ओनली इन एनिमल सेल क्वेश्चन नंबर एट इज सेलवल इज प्रेजेंट इन तो सेलवल किस में प्रेजेंट होता है ऑल सेल्स तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ओनली इन प्लांट सेल क्वेश्चन नंबर नाइन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल वो कौन से सेल ऑर्गेनल है या फिर सेल के पार्ट है जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है दो झीली होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन माटे कंडरिया क्वेश्चन नंबर टेन इज सेल्स इज प्रेजेंट इन तो सेल सेल्स क्या है तो सेल सेल्सअप क्या है सेल के कोई पार्ट के और एक पार्ट है ओके तो ये किसका पार्ट है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री वैक्यूल क्वेश्चन नंबर इलेवन इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स है उसमें मौजूद होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्या होता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू क्लोरोप्लास्ट अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया प्लास्टिड तो प्लास्टिड जो है वो तीन टाइप के होते हैं ओके ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और यहाँ पर चार टाइप के लेकिन तीन टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक है एमाइलोप्लास्ट तो इनमें से जो ग्रीन पार्ट्स है उसमें किस तरह के जिस किस तरह के प्लास्टिड होता है जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रीन जो होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होता है तो क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट ओके तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू क्लोरोप्लास्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज कंट्रोल्स ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ सेल तो सेल की वो कौन से पार्ट है जो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन न्यूक्लियस क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस्क साटोप्लाज्म साइटोप्लाजम क्या है तो अब सैटोप्लाज्म को समझने के लिए और एक चीज़ और एक चीज़ समझना है वो क्या है कि प्रोटोप्लाजम क्या है तो अब ये समझते हैं कि प्रोटोप्लाजम क्या है तो सेल के अंदर जो भी अलग अलग पार्ट्स मौजूद होता है सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं लेकिन प्रोटोप्लाज्म से अगर माइनस कर देते हैं न्यूक्लियस को तो उसको हम बोलते हैं सैटोप्लाजम ओके तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री प्रोटोप्लाजम एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस को छोड़कर जो प्रोटोप्लाजम्स के बाकी पार्ट्स है उन सबको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज सेल थ्योरी वाज प्रोपोज बाय सेल थ्योरी जो है किसने प्रोपोज किया था किसने आ, किसने हमें दिया था तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री सेल्डन एंड सोान क्वेश्चन फिफ्टीन इज पेटल्स ऑफ फलार आर ऑफ डिफरेंट कलर्स डी टू पेटल्स फ्लावर के जो पेटल्स हैं पंखड़िया है वो अलग अलग कलर के होते हैं इसके पीछे रीजन्स क्या है तो आंसर इज ऑफ आंसर इज ऑप्शन नंबर टू क्रोमोप्लास्ट क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो है अलग कलर थे, अलग कलर पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में इसलिए अलग अलग कलर के होते हैं पेटल्स ऑफ फ्लार नेक्स्ट आते हैं चैप्टर थ्री तीसू अब टीशू क्या है ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे सेल मिलकर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं टीशू ओके क्वेश्चन नंबर वन इज द सेल वॉल इज मेड ऑफ लेगन तो सेल वॉल जो है लिग्निन से बना होता है तो कौन से टीशू है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री एस्कलन कायमा क्वेश्चन नंबर टू इन विच टीशू द सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर तो कौन से टीशू है जिसमें सेल वॉल जो होता है थिक होता है एट द कॉर्नर तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू कोलन कायमा क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रजेंट तो इनमें से किस टीशु में जो है इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है प्रेजेंट होता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री पैरन कायमा क्वेश्चन नंबर फोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेफ लाइक पोर्ट्स आर प्रेजेंट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री सेफ ट्यूब क्वेश्चन फाइव विच इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम तो इनमें से कौन जाइलम जो है जाइलम की कंपोनेंट है तो आंसर इज ट्रिकर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स टीशू दैट कनेक्ट्स मसल्स विद बोन्स इज तो वो कौन से टीशू है जो मसल्स को बोन्स से जो है कनेक्ट करते हैं तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर टेंडन क्वेश्चन सेवन इज टीशू मेड ऑफ ऑफ न्यूरॉन्स इज वो कौन सी टिशू है जो न्यूरॉन्स बना है जिन टीशु से तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री नर्वस टीशू क्वेश्चन नंबर एट इज द टीशू रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मूवमेंट इन द बॉडीज तो बॉडी के अलग अलग मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सि होते हैं वो टीशू कौन सा है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन मस्कुलर टिशू लास्ट चैप्टर इज़ मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड दियर फंक्शंस ओके क्वेश्चन वन इज मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस इन मेल गेमेट जो होता है प्रोड्यूस होता है कहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर फोर टेस्टिस आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर टेस्टिस क्वेश्चन नंबर टू इज़ द ऑर्गन विच डिस्ट्रॉयज द डेड आर बी सी एंड प्यूरीफाइज द ब्लड इज़ तो कौन से ऑर्गेन है जो डेड आर बी सी को डिस्ट्रॉय करता है एंड प्यूरीफाइज द ब्लड इज और ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू स्प्लिन क्वेश्चन नंबर थ्री एल्थ्रोप्रोटीन हार्मोन इज सेंथिस बाय। तो ये हार्मोन कहाँ पर सेंथिसाइज होता है कहाँ पर तैयार होता है कहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री किडनी क्वेश्चन नंबर फोर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी इज तो हमारी बॉडी के जो लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन सा है आंसर इज ऑप्शन नंबर वन लीवर क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो आ सेंस ऑर्गन इनमें से कौन है जो सेंस ऑर्गन है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर स्किन क्वेश्चन नंबर सिक्स पोर्टल वैन रिमेन कनेक्टेड विथ तो पोर्टल जो वेन है वो कनेक्टेड रहते हैं किससे आंसर इज ऑप्शन नंबर वन लिवर तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में चैप्टर टू क्लास नाइन लाइफ साइंस के चैप्टर टू के कुछ इंपॉर्टेंट एम बताया चैप्टर वाइज जो छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड है ये चैप्टर तो अगर आप लोग चैप्टर वन के एम पर वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग हैवे नाइस डे